हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड सेवन। आज मैं बनाने वाली हूँ तवा पुलाव। इसे मैं बचे हुए चावलों के साथ बनाने वाली हूँ और इसे बिल्कुल बाज़ार की तरह तवे पर बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तवा पुलाव मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले तवे पर 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, प्याज को लाल नहीं करना है, बस हल्का सॉफ्ट होने तक भुनना है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इन सबको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1/4 कप मटर डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, आपको जो सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर के गलने तक इसे पकाएंगे। इसे हम लोहे के तवे पर बना रहे हैं, जिससे जो टमाटर हैं वह जल्दी ही गल जाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छे से गल गए हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यह मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है, जिसके लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। बाद में बटर ऐड करने से जो पुलाव का टेस्ट है वह थोड़ा बढ़ जाएगा। बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 1.5 कप पके हुए चावल डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो चावल हैं वह टूटे ना। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ना ऐड करें और पाव भाजी मसाला आधा चम्मच ही डालें। चावल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, आधे नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ तवा पुलाव बिल्कुल रेडी है। तवा पुलाव को आप घर पर आसानी से बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। ये तीखा चटपटा मुंबई स्टाइल तवा पुलाव एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।